दोस्तों सुबह की प्यारी नमस्कार के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और एक बार फिर से चुनावों की लेटेस्ट खबरों के साथ मैं मौजूद हूं आपके नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और यह वार्ड 43S है जहां पर बड़ी संख्या में युवा यहां पर एकत्रित हैं। और हम आर्मस्ट्रांग जिम्नेजियम हॉल में मौजूद हैं जहाँ अभी अभी जो टिकट मांग रहे हैं नजफगढ़ से संजय गिरिधर भाऊ वो यहाँ पहुँचे हैं। और तमाम युवाओं ने और जो जिम कर रहे हैं तमाम जो यहाँ के क्षेत्रीय युवा है उन्होंने आज जोरदार स्वागत किया है फूलों की माला डाल करके संजय गिरिधर भाऊ का। तो आइए शुरुआत करते हैं उन युवाओं से, जानते हैं कि युवा क्या सोच रहे हैं, इस बार संजय गिरिधर की उम्मीदवारी को लेकर के युवा कितने खासे उत्साहित हैं, क्या वो चाहते हैं, इन सब तमाम सवालों की चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं जो इस जिम का सह संचालन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं क्या सोच रहे हैं युवा। आज संजय गिरिधर यहाँ पहुँचे थे, स्वागत तो आपने जोरदार किया है, समर्थन कितना रहेगा? पूरा समर्थन है जी सारे युवाओं का, सारे जितने अपने कम्युनिटी के हैं प्रेमनगर से जितने भी हैं सारे भाई सारा पूरा सपोर्ट करेंगे इनका। जी आपकी क्या राय है, कितना समर्थन? फुल सपोर्ट है जी, फुल तन मन धन शारीरिक क्षमता से हर एक तरह से। तो जितने भी यहाँ पर युवा आ रहे हैं जितने भी आपके पास सब सब साथ हैं जी, हमारे सारे भाई हमारे साथ हैं जी। हाँ जी क्या राय है? संजय भाई का शुरू से ही युवाओं के साथ बहुत ही प्रेरणादायक सपोर्ट रहा है, इन्होंने शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग को और अन्य स्पोर्ट्स को भी सभी को प्रोत्साहित किया है। अब ये समय आया है कि आप पार्टी जिस तरह दिल्ली के अंदर अच्छा से अपना सारा काम करती आई है और आगे भी करेगी, संजय भाई हमारे नजरबड़ का नेतृत्व करेंगे और युवाओं को इसी तरह सपोर्ट मिलता रहेगा और इसी तरह स्पोर्ट्स के अंदर हम अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। टिकट को लेकर के कितने आशान्वित हैं आप? हम बिल्कुल 100% श्योर है कि संजय भाई के जिस तरह के प्रीवियस कार्यकाल रहा हमें लगता है कि संजय भाई को बिना किसी निर्विरोध के यहाँ से चुना भी जाएगा और टिकट भी मिलेगी। चलिए टिकट भी मिलेगी और चुना भी जाएगा। आपका क्या नाम है दोस्त? विनय। विनय कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ बाजार में। चलो आज संजय भाई आपके बीच में पहुँचे हैं और उन्होंने एक समर्थन की अपील की है, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि इनको वोट दीजिए, इन्होंने बिना आप तो ये नेता नहीं थे भाई थे और अब ये हमारे नेता के रूप में हमारे सामने आएंगे तो और वो काम करके दिखाएंगे जो और कोई नहीं कर सकता जी। आपकी क्या राय है दोस्त? देखिए जी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी जिम मेंबर्स हैं, सभी जिम मालिक हैं इस एरिए के, तो जितने भी नजोगड़े के जिम हैं सभी यहाँ एकत्रित हैं और सबका सपोर्ट भाई साहब के साथ है, तो हमें पूरी उम्मीद है ये जीतेंगे जी। जी हम चाहते हैं कि इन्हें ही वोट मिले और इन्हें यहाँ पर पार्टी की टिकट मिले और हम इनका पूरा सपोर्ट देंगे जी। तो जो तमाम युवा साथी हैं उन्होंने ये ठान लिया है कि इस बार नजफगढ़ में वो बदलाव चाहते हैं और संजय गिरिधर जैसे समाज सेवक जो हमेशा राजनीति में आने से पहले समाज के सभी सर्व समाज के लोगों से जुड़े रहे हैं और इस बार टोपी और पटका पहन करके उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी का भी क्रेज यहाँ देखने को मिला है और खास तौर से संजय गिरिधर के प्रति जो युवाओं की चाहत है वो बढ़ चढ़ कर बोलती नजर आई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जीतेंगे संजय भाई साहब। अच्छा पूरे जिम वाले सब साथ है भाई की। हाँ तो लगता है योग्य उम्मीदवार साबित होंगे? बिल्कुल 100% 100%। चलिए कुछ युवा साथियों से मैं और बात करूंगा। क्या नाम है दोस्त आपका? सर्वेश। क्या लगता है आपको? जीत जाएंगे। अच्छा टिकट को लेकर कितने आसान्वित हैं? अब उनकी मतलब अच्छी गुडविल बनी हुई है यहाँ पे तो जीत सकते हैं। चलिए नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लगता है संजय गिरिधर जी समर्थन मांग रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज की डेट में हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो जीते हुए हैं, हमारे लिए कौंसलर बन चुके हैं और कोई ताकत ऐसी नहीं जो उनको हरा सके। ये हमारा सौभाग्य है कि ये राजनीति में आए, सेवा पहले भी करते थे लेकिन अब भी करेंगे और ये अवभाग्य कहूँगा मैं आम आदमी पार्टी का कि जिन्होंने नजफगढ़ के हीरे को अपने साथ चुना है, इसलिए हम तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो 101% जीत चुके हैं जी। जी चलिए सैगल साहब फिर से एक बार आज जिम में तमाम युवा क्षेत्र के नजफगढ़ के बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बाजार फिर विभिन्न वर्ग और आज युवा वर्ग संजय के साथ है और संजय को टिकट मिलनी ही चाहिए जी। संजय को टिकट मिलनी ही चाहिए ऐसा जी, आपकी क्या राय है? संजय जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और पूरा सहयोग इनका पूरे समाज में बहुत अच्छा रहता है,
और हम तो चाहेंगे कि ये जीते और हमारे साथ अच्छा है, हमारे साथ बीच में हमारे काउंसलर बने। टिकट को लेकर के क्या कहेंगे? टिकट को लेकर सर टिकट तो मिलनी चाहिए, जब तो हम सहयोग के लिए खड़े हैं साथ जी। क्या जी क्या लगता है जी? संजय बिल्कुल जीतेंगे जी, जो बिना किसी पोस्ट के भी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे समाज में इतने फैले हुए हैं, सारा समाज इनको चाहता है, तो ऐसा जब इनको सीट मिलेगी या इनको कुछ पावर मिलेगी तो आप देखो कितना काम होगा। ये सोचने की बात है, पहली लड़ाई टिकट की है। हाँ, टिकट क्या समझते हैं टिकट को? टिकट मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। जैसा इनका बाजार में प्रचार है, जैसा इनका बाजार इनका स्वागत कर रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं इतना देखो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही, इससे क्या जाहिर हो रहा है कि इनको सीट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए और मिलेगी तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो काम भी बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई लोगों को निराश नहीं करेंगे। अगर जिस उम्मीद से लोग वोट देंगे ना, उससे ऊपर ही रहेंगे ये। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इनको एक बार सीट मिल जाए, फिर तो हम दिन रात ये नहीं देखेंगे, लग जाएंगे पूरी सेवा, खुल के चुनाव प्रचार करेंगे, खुल के हाँ जी, दिल से। क्या नाम है आपका? करण। करण, क्या समझते हैं आप आम आदमी पार्टी की टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं संजय गिरधर? नो डाउट, मैं चाचा जी को बहुत सालों से डालता हूँ, हमारे फैमिली रिलेशन्स भी हैं। इन्होंने जो सोसाइटी को जो दिया है वो अनइमेजिनेबल है, मतलब कि जितना हम इनको जानते हैं, जो सोसाइटी में इन्होंने अच्छा किया है, लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, इनफैक्ट हमारी फैमिलीज में भी, और जो जो आसपास जो इन्होंने जो माहौल क्रिएट किया है वो ऑब्वियसली इनके फेवर में है, और हम लोग सारे यूथ तो ऑब्वियसली एक वन साइडेड इनकी तरफ ही है, नो डाउट। और टिकट ऑब्वियसली देखिए हमें पता है कहाँ आएगी, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हम लोगों को यही चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में जो किया है वो लोकली भी करें, क्योंकि लोकली जो हमें जो इश्यूज़ हैं वो हम लोग रेज़ नहीं कर पाते हैं, और अगर ऐसा कोई हमें रोल मॉडल मिलेगा उनके पास ही हम जाके अपनी चीज़ें करेक्ट करवा सकते हैं। भाई रोड है, गेट है, गंदगी है, आपको पता ही है कि नंदगढ़ में काउस का और कितनी मतलब कि जो खुली गायें घूम रही हैं, गंदगी का कितना ज़्यादा वो है, और ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, ये जो पूरा एक जो सर्कल है, तो ये चीज़ें यही काउंटर कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली मैं तो पूरा फेवर में हूँ, और वन साइडेड फाइट है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, चुनाव जोरों पर है, प्रचार जोरों पर है, और आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे संजय गिरधर भाऊ अल सुबह घर छोड़ देते हैं चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के लिए, और लगातार उनका जनसंपर्क का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आप पूर्ववर्ती वीडियो में देख रहे हैं कि सर्व समाज के लोगों के पास पहुंचकर आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार करते नजर आए हैं। आज प्रातः सुबह सुबह यहाँ आर्मस्ट्रांग जिम में पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने जो यहाँ जिम कसरत करने आते हैं, तमाम नजफगढ़ क्षेत्र के युवाओं ने एक स्वर में दोनों हाथ उठा करके संजय गिरधर बाहू की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। तो आइए संजय गिरधर से ही पूछ लेते हैं। संजय जी, बड़ी एनर्जी है आपके अंदर, अल सुबह आप प्रचार के लिए निकले हैं, कहां से ये एनर्जी आई है? पहले तो मैं युवा शक्ति का धन्यवाद करता हूं, इन्हीं को युवा शक्ति को देख के एनर्जी आई है, और आज मुझे ऐसा लग रहा है इन सब के सहयोग से मैं तो और बहुत ज्यादा मजबूत हो गया हूं जी। मुझे युवा शक्ति को देख के मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ, इनके सहयोग से ही आगे सब कुछ चलना है जी। बिल्कुल, युवा जिधर चलते हैं उधर आंधियां मुड़ जाती हैं, और देश का रुख मोड़ने वाले ये युवा, जिनकी आबादी इस देश में 65% से ज़्यादा जानी जाती है, आज अल सुबह तमाम नजफगढ़ क्षेत्र के युवाओं ने यहां जिम में एकत्रित होकर के आम आदमी पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार संजय गिरधर बाहू को, पुनः मैं बता दूं कि आपको दोनों हाथ उठा करके और तालियां बजा करके फूलों की माला और नोटों की माला पहना करके अपना एक तरफा समर्थन दिया है। तो दोस्तों, चुनावी खबर है लेकिन प्रचार जोरों पर है, आप देख पा रहे हैं कि सर्व समाज के लोगों को कवर करते संजय गिरधर भाऊ अब टिकट की दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा आपको सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, और आज सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं कि आज युवाओं ने आपका समर्थन किया है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? मैं जो भी अब सारे युवा खड़े हैं, बड़े खड़े हैं, मैं जो वादे किए हैं और वादे करें, मैं अपनी हर कमिटमेंट पे खड़ा उतरूंगा, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, कहीं भी कोई किसी को भी कोई परेशानी का मौका नहीं दूंगा, मैं अपनी जुबान पर खड़ा रहूँगा, सबसे एक बात का मैं वादा कर सकता हूँ 100%। पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं जीत के आता हूँ तो मैं किसी भी अपने छोटे बड़े अपने शहर में कॉलोनी में किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अपने हर काम में खरा उतरूंगा, पूरा टाइम दूंगा, कभी भी किसी को निराशा नहीं मिलेगी मेरे।